हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे आप सभी को मैं बताने वाला हूं वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग के बारे में। इस पे इस सॉफ्टवेयर पे आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाएगा, तो पूरी डिटेल्स में आपको जो वंडरशेयर फिल्मोरा का बेसिक है, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, कहाँ पे कौन सा सेटिंग है, वो सारे चीज़ आज के इस वीडियो पे आप सभी को बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग्स एंड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और जान लेते हैं यानी सीख लेते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को चलाना। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेरे डेस्कटॉप पे। मैं अभी अपने डेस्कटॉप पे हूं, एंड यहाँ पे हमें करना क्या है, जो आपके डेस्कटॉप पे वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है उसको फटाफट से ओपन करना है। सो मैं चालू करके रखा हूँ यानी ओपन करके रखा हूँ वंडरशेयर वीडियो एडिटिंग फिल्मोरा। सो वंडरशेयर वीडियो एडिटिंग फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को आप जैसे ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से आपको पूरा का पूरा इंटरफेस दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया के बारे में कि हम वंडरशेयर फिल्मोरा में जिस वीडियो को हमें एडिट करना है वो वीडियो को इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो इसका दो ऑप्शंस है, एक तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आई थिंक आपको दिख रहा है, ड्रॉप योर वीडियो क्लिप इमेज और ऑडियो हेयर और क्लिक हेयर टू इंपोर्ट मीडिया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। इस पर आपको जो वीडियो को एडिटिंग करना है वो वीडियो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ये वाला वीडियो मैं अगर एडिट करना चाहता हूँ तो इस वीडियो को मैं इस तरह से सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूँगा, ओपन हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली इस वीडियो पे दो बार क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो है इम्पोर्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया है। एक तो ये ऑप्शन था वीडियो इम्पोर्ट करने का, बट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड जो इसका सेकेंड ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे मीडिया के फाइल आपको आई थिंक दिख रहा है, ये मीडिया वाला फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे मीडिया वाले फाइल पे आपको फाइल्स पे आपको जाना है। ये ऊपर जो फाइल दिख रहा है फाइल पे, एंड उसके बाद इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है इस पर, फिर आपको इंपोर्ट मीडिया फाइल क्लिक करना है तो ये आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है, इस तरह से आप कोई भी अपने वीडियो फ़ोटोज़ या फिर ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर एडिटिंग करने के लिए। तो ये दूसरा ऑप्शन था। तो मैं एक वीडियो को यहाँ से एग्जांपल के तौर पे, चलो ये वीडियो मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इस वीडियो को अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं आज के इस वीडियो पे एडिटिंग के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं जस्ट सिर्फ आपको वंडरशेयर फिल्मोरा जो सॉफ्टवेयर है इसका जो बेसिक डिटेल्स है, कहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है, वो आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो था, एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली थोड़ा तबीयत ख़राब है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिख जाता है मीडिया के बाद में। देखिए मीडिया में काफ़ी सारे ऑप्शन है, प्रोजेक्ट मीडिया फोल्डर, शेयर मीडिया फोल्डर, सैम्पल कलर्स पे आपको काफ़ी सारे इस तरह से कुछ सैम्पल्स कलर मिल जाएंगे जिसको आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड और सभी चीज़ में यूज कर सकते हैं। सैम्पल वीडियो की अगर बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारा सैम्पल वीडियो भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। एंड इसके बाद जो ऑप्शन है ऑडियो का, ऑडियो में यहाँ पे काफ़ी सारा ऑडियो आपको मिल जाएगा वंडरशेयर फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में। और ये सभी ऑडियो को अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए यूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसमें कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। एंड ऑडियो का जो ऑप्शन पे काफ़ी सारा तरह तरह का कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपको ऑडियो मिल जाएगा। अगर आप कोई ऑडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए इंपोर्ट म्यूज़िक, यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर से भी जो भी आपको म्यूज़िक इंपोर्ट करना हो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है टाइटल्स का। सो टाइटल्स पर आप काफ़ी सारे टेक्स्ट जो होता है जो हम लिखते हैं, जिस जैसे कि ये था लवर थर्ड है, ये अगर आपको दिखाऊँ देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अपने वीडियो पे आप लगा सकते हैं एडिट करके, यहाँ पे कुछ भी नाम है और वो सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो ये लवर थर्ड था यानी टाइटल था। अगर ओपनर लगाना चाहते हैं तो ये ओपनर कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको कैटेगरीज वाइज काफ़ी सारे टेक्स्ट में यानी टाइटल्स में काफ़ी सारा ऑप्शंस मिल जाएगा देखने के लिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। एंड इसके बाद अगर बात करें ट्रांजेक्शन का, तो यहाँ पर आपको
ट्रांजेक्शन पे काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे बेसिक, या फिर को जैसे हम वीडियोस पे लगाते हैं, देखिए ये लगाओगे तो इस तरह से स्लाइड होगा, ये आपका ब्लाइंड होगा नीचे इस तरह से, इफ़ेक्ट बोलते हैं एक तरह से इनको, सो आप इफ़ेक्ट भी बोल सकते हो, ये इस स्टाइल पे होगा। तो ये सारी चीज़ आप चेक करके अपने वीडियो पे यूज कर सकते हैं एडिटिंग के टाइम पे। बट ये सारा चीज़ कैसे कर सकते हैं, मैं दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ इस टॉपिक पे, तो सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड इसके बाद ऑप्शन होता है इफ़ेक्ट का, अगर आप अपने वीडियो पे इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं किसी भी तरह से इफ़ेक्ट, तो ये आपके वीडियो पे ऐसा इफ़ेक्ट आ जाएगा। ये सब इफ़ेक्ट आप यूज कर सकते हैं वंडर शेयर फिल्मोरा में। इसके बाद आता है एलिमेंट्स का, एक ऑप्शन है जो कि एलिमेंट अगर आप यूज करना चाहते हो तो ये सारे यहाँ से इस तरह से एलिमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली यूज करना इसका कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे यूज करना चाहो ना, यहाँ पे देखिए ये वाला समझ लो एरो मुझे यूज करना है वीडियो पे, तो आप इस पे अपने माउस को क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बीच में एक प्लस का बटन है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन था, कोई भी चीज़ चाहे इफ़ेक्ट यूज करना हो, ट्रांजेक्शन्स, टाइटल्स, ऑडियो, कुछ भी। एंड इसके बाद आता है स्प्लिट स्क्रीन, जैसे कि तीन अगर आप वीडियो लगाना चाहते हो स्क्रीन पे, तो ये इस तरह से तीन वीडियोस यूज कर सकते हैं, दो वीडियो यूज कर सकते हैं। स्प्लिट वीडियो जो होता है, यहाँ से आप स्प्लिट वीडियो का ऑप्शंस पे स्प्लिट वीडियो बना सकते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं, आप लोग देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स वाले ये ज़्यादा यूज करते हैं, एक वीडियो कोई और दूसरा कोई और दिखाया इस टाइप से, तो ये स्प्लिट था, ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये था इनका बेसिक। अब अगर इसका मेनू बार का बात करें तो मेनू बार में कुछ आपको ऑप्शंस मिलता है, एक तो फाइल का, फाइल में आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो फाइल से आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्या होता है, न्यू प्रोजेक्ट एक ऐसा है समझ लो, कोई एक किताब है उस किताब का एक पेज होता है, या फिर एक कॉपी का एक पेज आपने लिख लिया वो भर गया, तो आप क्या करोगे, दूसरा नया पेज आपको लेना पड़ता है लिखने के लिए। तो उसी तरह से ये एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि समझ लो इस प्रोजेक्ट पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट पे मेरा काम हो गया, मैंने इसको सेव कर लिया, अब मुझे फिर दूसरा वीडियो एडिटिंग करना है बट मैं वंडर शेयर फिल्मोरा को क्लोज करना नहीं चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ से फाइल न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इनका साइज़ हम ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे साइज़, ये 16:9 इशू में, फिर हम यहाँ से ऑटोमेटिकली एक नया पेज समझ लो हम ले लिए, बना लिए और काम कर सकते हैं। उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट पे, जो कभी अगर आप काम करते करते कुछ सेव्स करके रखते हो तो उसे प्रोजेक्ट कहते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट को अगर आप बाद में आधा काम को पूरा करना चाहते हो तो यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट खोल सकते हैं। इम्पोर्ट मीडिया के बारे में बता चुका हूँ, वीडियो ऑडियो सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे ला सकते हैं यहाँ से वो है। डाउनलोड मीडिया पे आप यहाँ से मीडिया जो भी होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, यहाँ से मीडिया डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना हो या फिर वीडियो या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हो तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंगली आप सारे ये चेक कर सकते हैं। एडिट पे आपको कॉपी पेस्ट ये सभी का ऑप्शन मिलता है, टूल्स पे आपको मिल जाएंगे इनसेट का ऑप्शन, ओवरराइड, अपेंडेंट, क्रिएट प्रॉक्सी, स्क्रीन डिटेक्शन, एंड व्यूज़ पे आपको कोई भी वीडियो प्ले स्टॉप फुल स्क्रीन जूम लेवल अगर करना चाहते हैं, नेक्स्ट प्रेवेस गो टू, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइनली एक्सपोर्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट वीडियो, एक्सपोर्ट टू डिवाइस, अपलोड टू यूट्यूब, अपलोड टू वीमियो, यहाँ से डायरेक्टली आप यूट्यूब में वीडियो को अपलोड और कर सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ से आप मत करना, वीडियो को आप एक्सपोर्ट करके फिर अपलोड कीजिएगा बेस्ट होता है। एंड एक्सपोर्ट आप यहां से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वह एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट होगा, बट अभी मेरे टाइमलाइंस पे कुछ नहीं है इसीलिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ये था पूरी बेसिक डिटेल्स। एंड इसके बाद अगर वंडर से फिल्मोरा का जो टाइमलाइंस है, वीडियो टाइमलाइंस, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक ये वाला वीडियो है, सैंपल के तौर पर मैंने इस वीडियो को ले लिया, अब इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, इस तरह से चल रहा है, इस वीडियो को समझ लो थोड़ा सा यहाँ से चला, अब मुझे इस पार्ट को हटा देना है, मैं नहीं चाहता हूँ, अनवांटेड पार्ट है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कैची का, जो कि स्प्लिट बोलते हैं, या फिर आप इसको शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस बी में भी यूज कर सकते हैं।
तो ये कैची वाला दबाएंगे तो ये पार्ट आपका बीच से कट हो गया, और इधर वाला पार्ट को फिर सेलेक्ट कीजिए और सिंपली कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा के आप डिलीट कर दीजिए, या तो फिर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए तो वो पार्ट आपका डिलीट हो जाएगा वीडियो का। तो ये था कट और डिलीट का ऑप्शन। ये जो अंडू और रेडो आप सभी को पता है, आगे पीछे कभी कोई काम करते करते अगर मिस्टेक हो जाता है तो हम आगे पीछे हो सकते हैं, ये था दो ऑप्शंस यहाँ पे। एंड इसके बाद इधर जो आपको टाइमलाइन दिखता है यहाँ पे ऑडियो वीडियोस का, ये सारा टाइमलाइन है। जैसे यहाँ पे है ये वीडियो वाला टाइमलाइन है, अगर यहाँ पे मैं एक ऑडियो लाना चाहूँ तो सिंपली चलिए चलते हैं ऑडियो वाला फाइल पे। एक मैं ऑडियो लाया वीडियो के नीचे तो ये ऑडियो वाला टाइमलाइन पे आ गया। अब अगर इसमें मैं एक कोई पिक्चर लाना चाहता हूँ तो मैं चलता हूँ सैम्पल कलर पे, ये समझ लो एज ए पिक्चर है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऊपर ले आऊँगा तो इस तरह से ये आ गया पिक्चर मेरा वीडियो के ऊपर में। इसको छोटा सा साइज बड़ा यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कितना दूर रखना है क्या करना है इस तरह से। तो ये सारे ऑप्शंस है जो कि काम करता है। अब ये वीडियो पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। इस वीडियो पे अगर आप ये टाइमलाइंस वाला वीडियो पे अगर आप इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और एक ऑप्शन आ जाता है, जैसे कलर वीडियो का आप कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कलर करेक्शन कर सकते हैं किस तरह से क्या रखना है, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो गया, ब्राइटनेस हो गया, ये सारी चीज़ आप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मोशन वीडियो पे अगर कुछ इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं इस तरह से देखिए, तो आप इस तरह से इफ़ेक्ट और वीडियो पे लगा सकते हैं, कोई भी मोशन यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली आप लोग। एंड इसमें काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस है, जैसे ऑटो इन्हेंस पे ऑटो इन्हेंस हो जाएगा, जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है वो आपका ऑटोमेटिकली मतलब हैंडल कर लेगा। यहाँ पे और भी स्टेबलाइजेशन है काफ़ी सारे है। एंड एक ऑप्शन और आपको मिल जाता है क्रोमा की, क्रोमा की का मतलब होता है कोई भी वीडियो अगर हम ग्रीन स्क्रीन जो बैकग्राउंड होता है ग्रीन बैकग्राउंड में जो वीडियो शूट करते हैं उस बैकग्राउंड को रिमूव करने का टाइम पे ये काम आता है क्रोमा की। तो ये सारे ऑप्शन था। लेंस करेक्शन पे आप अपना कौन सा लेंस यूज करते हैं यहाँ से आप वीडियोस का उस हिसाब से अकॉर्डिंगली लेंस करेक्शन कर सकते हैं, रिसोल्यूशन ये सारी चीज़ सेलेक्ट करके। बट ये सभी चीज़ के ऊपर मैं पूरी डिटेल्स में मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगा जो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। मैं जस्ट आज के इस वीडियो पे सिर्फ आप सभी को वंडरशेयर फिल्मोरा का जो बेसिक पार्ट है वो बता रहा हूँ, कहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सारे ऑप्शन था। एंड नेक्स्ट ऑप्शन और भी दिखा दूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन है देखिए वीडियो को अगर आप मतलब जो कलर करेक्शन की बात कर रहा था, ये एडवांस कलर करेक्शन का ऑप्शन आ जाता है वीडियो का, आप कलर करेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली। देखिए काफ़ी बढ़िया हद तक काम होता है वंडरशेयर फिल्मोरा 9 पे, काफ़ी बेस्ट बनाया है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए वीडियो को अगर स्पीड स्लो फास्ट नॉर्मल करना चाहते हैं या फिर फ्रीज फ्रेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये सारा चीज़ कर सकते हैं ये वाला ऑप्शंस पे। वीडियो को क्रॉप करना हो तो ये क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप के ऑप्शन पे रख कर, जैसे ये वाला पार्ट रखना हो तो इस तरह से क्रॉप कर लीजिए। सो इस तरह से क्रॉप हो गया वीडियो इतना। एंड यहाँ पे आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये वाला मैं आपको बता चुका हूँ जो डबल क्लिक करते ही आता है वीडियो के ऊपर भी, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वीडियो का डिटेल्स आ जाएगा जहाँ पे आप क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन ये सारी चीज़ यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इसके बाद और भी ऑप्शंस आता है, जैसे ऑडियो है तो यहाँ पे आप ऑडियो को भी एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप ऑडियो को अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं, ऑडियो का साउंड बढ़ाना हो कम ज़्यादा रखना हो तो रख सकते हैं, ऑडियो का जो नॉइज़ होता है जो बैकग्राउंड में नॉइज़ रहता है वहाँ से रिमूव कर सकते हैं ऑडियो का नॉइज़ को आप, यहाँ पे ऑडियो पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ये सारा इफ़ेक्ट आप अपने अकॉर्डिंगली चेक करके जो आपको बढ़िया लगे वो सारी चीज़ डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है वंडरशेयर फिल्मोरा काफ़ी हद तक बढ़िया है, मैं रेकमेंड करूँगा आप सभी को कि आप ये सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। इसमें आपको कोई पैसा या फिर कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, सिर्फ आपके पास एक अच्छा खासा सिस्टम यानी आपके पास एक अच्छा खासा डेस्कटॉप या तो लैपटॉप होना चाहिए, आराम से आप उस पर यूज कर सकते हैं, बेस्ट चीज़ है वंडरशेयर फिल्मोरा।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा आपको वंडर से फिल्मोरा का आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बट जाते जाते थोड़ा बहुत ऑप्शंस कुछ और इधर रह गया है, बता देना चाहूँगा। यहाँ से आप देखिए डाउनलोड मोर इफ़ेक्ट, जो इनके इफ़ेक्ट होता है यहाँ से आप इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन जो मैसेज सेंटर है, यहाँ पे वंडर से फिल्मोरा की ओर से कोई मैसेज होता है तो आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पे आपके वंडर से फिल्मोरा में जब आप यूज करते हैं तो अकाउंट बनाना पड़ता है, यहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हैं। जब लॉगिन करेंगे अकाउंट बना के तो अकाउंट पे आपको आपका पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। तो ये सारा ही चीज़ था। बट यहाँ पे जो वीडियो का टाइमलाइन है, आप सभी को पता है, यहाँ से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं, पाउज कर सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं वीडियो को, यहाँ से स्टॉप होता है, ये सारा नॉर्मल चीज़ है, आप सभी को भी पता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो कि रेंडर प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। अगर इसका शॉर्टकट का बात करूँ, इंटर दबा के ही आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो वीडियो हमारे 4K क्वालिटी का अगर होता है, अल्ट्रा HD 4K का अगर होता है, तो इसमें सॉफ्टवेयर में अगर हम रेंडर प्रीव्यू करते हैं तो जो हमारा वीडियो है हाई क्वालिटी का, वो स्मूथली प्ले होगा, हमको पता चल सकता है, सुनाई देगा वॉइस। और यहाँ से देखिए एक वॉइस का ऑप्शन है, यहाँ से आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। डबिंग और करना हो आपको वीडियो पे तो आप सिंपली इस तरह से इस पर क्लिक करके ये 3 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाता है। सो अभी मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो इस तरह से आप यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई भी वीडियो अगर आपको डबिंग करना हो तो। काफ़ी हद तक अच्छा सॉफ्टवेयर है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए म्यूजिक और का जो ऑडियो का एडिटिंग होता है वीडियो का, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको ऑडियो एडिट करने का। ऑडियो का सारा चीज़ आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन था बेस्ट है ऑडियो एडिटिंग करने के लिए ऑडियो को। एंड इसके बाद जो इसके टाइमलाइंस होता है, टाइमलाइंस को यहाँ पे इस तरह से हम बड़ा और छोटा कर भी सकते हैं, मतलब जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, जितना बड़ा रखकर आपको काम करना हो। एंड इसके बाद यहाँ पे भी माइनस प्लस का जो ऑप्शन है, इससे भी हम सिंपल सा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से भी टाइमलाइंस को बड़ा या छोटा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, कहाँ से कौन सा पार्ट हमें रखना है, कहाँ से नहीं रखना है, तो वो बारीकी से देखना पड़ता है, फिर यहाँ से कट पेस्ट करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बड़ा छोटा करके काम करने में आपको आसानी होगा ये ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे इतना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैंने आप सभी को वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल्स राजा ब्लॉग्स एंड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन पर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं आप, मैं हर किसी का कॉमेंट का जवाब जरूर देता हूं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलूंगा एक फैंटास्टिंग वीडियो के साथ। फिलहाल चलते हैं, बाय, टेक केयर।